हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है अमलगमेशन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अमलगमेशन का ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 1, जिसके अंदर मैं अमलगमेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें बताऊंगा आपको कि अमलगमेशन क्या होता है और अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक वैलिड अमलगमेशन का माना जाता है, क्या उसकी कंडीशंस होती है। सबसे पहले अमल कमीशन। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार अमल कमीशन मीन्स मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनीज विद अनदर कंपनी, मतलब एक या उससे अधिक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर हो जाना यानी मिल जाना। क्या है अमलगमेशन? क्या मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म वन कंपनी, दो या दो से अधिक कंपनी आपस में मिलकर एक कंपनी बन जाती है, ये होता है अमलगमेशन। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और अमलगमेशन अगर सिंपली मैं और डिफाइन करूं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, तो आप ये कह सकते हो कि अमलगमेशन मीन्स वेयर टू और मोर कंपनीज आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू एंटिटी और कंपनी। यहां पर है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड मिल जाती है और एक नई कंपनी बन जाती है एक्स वाई लिमिटेड। तो यहां पर नई कंपनी फॉर्म हुई एक्स वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड आपस में मिलकर एक नई कंपनी बन जाती है एक्स वाई लिमिटेड। जो नई कंपनी बनती है उसको बोलते हैं ट्रांसफेरी कंपनी। जो नई कंपनी बनती है उसको बोलते हैं ट्रांसफेरी कंपनी। और जिस कंपनी का बिजनेस बिक जाता है यानी जिस कंपनी का मर्जर होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफेरर कंपनी। इनको वेंडर कंपनी भी बोलते हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि जो नई कंपनी होती है उसको ट्रांसफेरी कंपनी बोलते हैं और उसको बोलेंगे अमलगमेटेड कंपनी। क्या बोलेंगे? अमलगमेटेड कंपनी। और जिस कंपनी का बिजनेस खत्म हो गया यानी जिस कंपनी का मर्जर हो गया किसी और कंपनी के साथ यानी ट्रांसफर कंपनी को बोलते हैं अमलगमेटिंग कंपनी। यानी मैं सिंपली आपको बताऊं तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड आपस में ये खत्म होकर एक नई कंपनी बन जाती है एक्स वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड ये होती है ट्रांसफेरर कंपनी। इनको बोलेंगे अमलगमेटिंग कंपनी। और जो नई नई कंपनी फॉर्म हुई है उसको बोलेंगे ट्रांसफेरी और अमलगमेटेड कंपनी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अमलगमेशन के अंदर नई कंपनी फॉर्म होती है, नई कंपनी बनती है। ऐसे ही होता है एब्जॉर्प्शन। नाम से ही मालूम पड़ रहा है एब्जॉर्ब यानी कुछ समा लेना या किसी के अंदर समावेश हो जाना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ वन और मोर कंपनीज बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी। यानी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी किसी और कंपनी का जब बिजनेस टेक ओवर कर लेती है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी में जाके मिल जाती है एब्जॉर्प्शन। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया यानी परचेज कर लिया। वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड के बिजनेस को कर लिया टेक ओवर परचेज। तो वाई लिमिटेड क्या है? ट्रांसफेरी कंपनी यानी ये नई कंपनी हो जाएगी। और ये कंपनी तो इसमें ये कंपनी जो है एक्स लिमिटेड है ये कंपनी तो इसमें मिल गई वाई लिमिटेड में, क्योंकि वाई लिमिटेड ने एक्स को परचेज कर लिया, टेक ओवर कर लिया।
वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, परचेज कर लिया, तो एक्स लिमिटेड तो इसमें आके मिल गई, अब इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो अब वाई लिमिटेड बिजनेस करेगी, तो वाई लिमिटेड यानी नई कंपनी कौन सी है, वाई लिमिटेड। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है आपको कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर कोई नई कंपनी नहीं बनती, यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपनी जो होती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिल जाती है और जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है एक, वो बिजनेस कंटिन्यू रखती है। तो वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को परचेज कर लिया, यानी तो वाई लिमिटेड हो जाएगी ट्रांसफेरी कंपनी और एक्स लिमिटेड हो जाएगा ट्रांसफेरर कंपनी। एक्स लिमिटेड को हम बोल सकते हैं अमलगमेटिंग कंपनी और जो वाई लिमिटेड हो जाएगी वो हो जाएगी अमलगमेटेड कंपनी। मेन बात, अमलगमेशन में नई कंपनी फॉर्म होती है, एब्जॉर्प्शन में नई कंपनी नहीं बनती, जो पुरानी कंपनी होती है एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिल जाती है और जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है एक, वो कंटिन्यू बिजनेस में रहती है। अगर बात करें इनकम टैक्स पर्पज से, तो देर इज नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन में। इनकम टैक्स पर्पज से अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर बात करें टाइप्स, अमलगमेशन के दो टाइप्स होते हैं, मर्जर और परचेज। उसके बाद एक वैलिड अमलगमेशन कब माना जाता है फॉर इनकम टैक्स पर्पस। अमलगमेशन अगर इस तरीके से होता है तो उसको माना जाएगा कि वो वैलिड अमलगमेशन है, कुछ कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब कौन कौन सी कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहला, ऑल दी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी जितनी भी एसेट्स है अमलगमेटिंग कंपनी की, इमीडिएटली बिफोर द अमलगमेशन, अमलगमेशन से एकदम पहले जितनी भी प्रॉपर्टी होती है अमलगमेटिंग कंपनी की, यानी जो कंपनी ख़त्म होने जा रही है या जो कंपनी किसी और कंपनी में मिलने वाली है, उस कंपनी की जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी बन जाएगी अमलगमेटेड कंपनी, यानी जो कंपनी कंटिन्यू बिजनेस में रहने वाली है या फिर जो कंपनी नई कंपनी होगी उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी ख़त्म होने वाली है या जो कंपनी दूसरी कंपनी में मिल जाती है, जो पुरानी कंपनी होती है जिसका बिजनेस जो है वो बिक जाता है, उसकी जितनी प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी किसकी बन जाएगी, नई कंपनी यानी अमलगमेटेड कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाएगी। उसके बाद बताया जितनी भी लायबिलिटीज होगी अमलगमेटिंग कंपनी यानी पुरानी कंपनी की, एकदम पहले अमलगमेशन से वो लायबिलिटी बन जाएगी किसकी, अमलगमेटेड कंपनी यानी न्यू कंपनी या जो बिजनेस में रहने वाली है उस कंपनी की। तो मैंने आपको बताया कि जितनी भी प्रॉपर्टी होगी अमलगमेटिंग कंपनी की वो प्रॉपर्टी बन जाएगी अमलगमेटेड कंपनी यानी नई कंपनी की, और जितनी भी लायबिलिटीज होगी पुरानी कंपनी या जिस कंपनी का बिजनेस जो है टेक ओवर कर लिया है पुरानी कंपनी, उसकी जितनी भी लायबिलिटीज होगी वो लायबिलिटी बन जाएगी नई यानी अमलगमेटेड कंपनी की। उसके बाद शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 3/4 इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, नोट लेस देन मतलब आप ये कह सकते हो कि मिनिमम 3/4 का मतलब आप ये भी कह सकते हो 75%, 3/4 का मतलब 75% ही हो गया। तो बोला कि जो शेयर होल्डर है जिनके पास 75% होल्डिंग है अमलगमेटिंग यानी पुरानी कंपनीज के अंदर, लेकिन इसमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें शेयर होल्डिंग ना हो अमलगमेटेड कंपनी यानी जो नई कंपनी है उसकी, उसको छोड़ के, या कोई अमलगमेटेड कंपनी यानी नई कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है उसकी शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए यानी उसको छोड़ के, या फिर कोई अमलगमेटेड कंपनी है कोई नॉमिनी कंपनी है उसको छोड़ के। तो इसमें बताया गया कि जो शेयर होल्डर जिन्होंने 75% होल्डिंग जिनके पास है अमलगमेटिंग कंपनी यानी पुरानी कंपनी के अंदर, लेकिन इसमें अमलगमेटिंग किस अमलगमेटेड कंपनी जो होगी यानी जो नई कंपनी होगी
उसकी सब्सिडरी, उसकी नॉमिनी या वो खुद उसकी शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, उनको छोड़ के होना चाहिए। एकदम पहले अमलगमेशन से बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी, यानी जो पुरानी कंपनी होगी उसके जो शेयर होल्डर्स जिन्होंने 75% की होल्डिंग ले रखी है पुरानी कंपनी में, वो 75% होल्डिंग रखने वाले शेयर होल्डर जो है वो शेयर होल्डर बनने चाहिए नई कंपनी के, तभी माना जाएगा कि एक वैलिड अमलगमेशन हुआ है इनकम टैक्स पर्पज से। अब इस पॉइंट को एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते। ये जो बी लिमिटेड है ये मर्ज हो जाती है ए लिमिटेड के अंदर, बी लिमिटेड जो है वो मर्ज हो जाती है ए लिमिटेड के अंदर। तो यानी जो ए लिमिटेड है कंटिन्यू बिजनेस रखेगी और इसका बिजनेस खत्म, और ए लिमिटेड यानी जो अमलगमेटेड कंपनी है, यानी जो जो कंपनी कंटिन्यू बिजनेस में रहने वाली है अमलगमेटेड कंपनी, इसकी शेयर होल्डिंग 30% है बी लिमिटेड में। तो मैंने आपको बताया कि अमलगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डिंग को छोड़ के, या इसी की कोई सब्सिडरी कंपनी अगर है या कोई नॉमिनी है उसको छोड़ के जितनी शेयर होल्डिंग बच जाएगी उसका 75% जो होल्डिंग जो होगा, यानी जिसके पास शेयर होल्डिंग होगी वो शेयर होल्डर्स बनने के लिए राजी होने चाहिए नई कंपनी की। तो बी लिमिटेड जो है वो मर्ज होती है ए लिमिटेड के अंदर, और ए लिमिटेड के 30% शेयर्स होल्डिंग है बी लिमिटेड में, यानी बच कितने गए 70%। तो अब बोला कि ये जो पुरानी कंपनी है इसके कम से कम 75% शेयर होल्डिंग वाले शेयर होल्डर्स, यानी आउट ऑफ 100 में से 30% तो ऑलरेडी ए लिमिटेड का है, अमलगमेटेड कंपनी का है, तो रिमेनिंग 70% इसका अगर 75% निकाले शेयर होल्डिंग तो वो आ जाएगा 52.5%, यानी इतनी शेयर होल्डिंग रखने वाले शेयर होल्डर जो है वो राजी होने चाहिए इस ए लिमिटेड के शेयर होल्डर बनने के लिए, तभी बोला जाएगा कि ये एक वैलिड अमलगमेशन है इनकम टैक्स पर्पज से, तभी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ टैक्स इंसेंटिव, कुछ टैक्स बेनिफिट मिल पाएंगे कंपनीज को। इन फॉलोइंग केसेस के अंदर अमलगमेशन नहीं माना जाता इनकम टैक्स पर्पज के लिए। अगर प्रॉपर्टी जो है एक कंपनी दूसरी कंपनी से एक्वायर करती है नॉर्मल तरीके से, तो ऐसे केसेस में उसको अमलगमेशन नहीं बोलते। अगर कंपनी रिसीव करती है प्रॉपर्टी, किसी अदर कंपनी की प्रॉपर्टी रिसीव करती है लिक्विडेटर से, यानी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी इसको अमलगमेशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे टैक्स इंसेंटिव्स। ओके, थैंक यू।